खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन। अमेठी क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री सुरेश पासी इंटरलॉकिंग का उद्घाटन करने पहुंचे। पारा मखदुमपुर कला जनसभा को संबोधित करते हुए किया पत्रकारों पर टिप्पणी। अमेठी जनपद के सुकुल बाजार विकास खंड के मखदुमपुर कला पारा में इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राज्य मंत्री सुरेश पासी ने सड़क का किया लोकार्पण और जनवरी सभा को किया संबोधित। विधायक सुरेश पासी ने अपनी जनसभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने गिनाया अपने विकास कार्यों व किया पत्रकारों पर टिप्पणी। करते हुए सुरेश पासी ने कहा कि कल तारीख में अखबार बिकता था, आज की तारीख में पत्रकार बिकते हैं। जिस पत्रकार को विज्ञापन न मिले वो विपक्ष में खबर लगते हैं। विधायक सुरेश पासी ने कहा, अगर मेरे व मुझसे जुड़े कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई आरोप साबित करता है तो मैं जगदीशपुर विधानसभा से विधायक सुरेश पासी चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं अपना इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह। तो लिखा तो लोगों ने, बात कुछ लोगों ने उसमें ये लिखा कि मंत्री ने कमीशन ले लिया इसलिए सड़क सही नहीं बन रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2.5 साल मुझे हो गया, पूरे विधानसभा का एक आदमी अगर खड़ा होकर कह देगा कि मंत्री जी आपके कार्यकर्ता ने आपके नाम पर 1 रुपये लिया या आपने 1 रुपये लिया, पूरे विधानसभा की बात करता हूँ, उसी दिन मैं मंत्री पद से और विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये दंडाधिकारियों ने गलत किया, कम से कम 10 पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है हमारे विधान, इसके पहले कभी लिखा गया है क्या? अभी एक नर्स गलत काम कर रही है तो उसकी हमने सेवा समाप्त कराई, कई अधिकारियों को जेल भी भेजने का काम किया। तो जो लोग लिखते हैं उनको पहले देखना चाहिए कि हम क्या लिखते हैं, इससे उनकी क्वालिटी खराब होती है। इसलिए जनता जगदीशपुर की जानती है कि हमारा विधायक 24 कैरेट का है। अगर तुम लिखते हो तो तुम्हारी क्वालिटी खराब होगी, या कोई बता दे किया था ना। तो हमने अभी एक योजना बनाई थी हमारे अध्यक्ष जी और सब लोग पूरे कार्यकर्ता बैठ कर कि भाई जब सबका योगदान रहा, अगर किसी ने आज़ादी में योगदान नहीं किया तो समाज का, अगर उस व्यक्ति समाज का व्यक्ति सीमा पर काम करता है तो हो सकता है सीमा पर कोई शहीद हुआ हो, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, बैठ जाओ, या कोई अगर उसमें भी नहीं काम किया तो कोई साहित्यकार रहा होगा, कोई गीतकार रहा होगा। तो हर समाज का योगदान किसी न किसी रूप में रहा। तो हमारी विधानसभा के जितने वार्डर, चाहे हम रिझाट की तरफ से चले, चाहे नौना की तरफ से चले, चाहे सुबेहा की तरफ से आए, तो सुकुल बाजार में अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम द्वार बनाएंगे, समाज के लोग जहां से कर लेंगे। जगदीशपुर के कुछ लोगों की मांग थी कि मंगल पांडे जी का द्वार बनाए, तो एक द्वार उधर मंगल पांडे जी का बना देंगे, इधर बना देंगे। निषाद समाज की हमने बैठक किया तो उन्होंने अपने निषाद समाज के एक बताया, उसमें बनवाएंगे। गौतम समाज की हमने बैठक किया तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मांग किया। हमारे विधानसभा में तहसील नहीं है और जितना हमने कहा अब तक किया है उस पर भी काम हमने शुरू कर दिया। अब चाहे 2022 तक हो जाए, चाहे इससे बाद हो जाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तहसील आपको मैं देकर रहूँगा। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबके चरणों में प्रणाम। कि हमारे विधानसभा में जैसे पहुँचे तो उसकी पहचान हो जाए, जैसे हम लगभग हर समाज की बैठक भी हो गई है। हमने छत्री समाज की बैठक किया तो उन्होंने कहा कि आप हमारे समाज का महाराणा प्रताप जी का द्वार बना दीजिए। हमने ब्राह्मण समाज की बैठक किया तब उन्होंने कहा कि हमारे समाज में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान रहा।
तीसरी बार हमारे पास प्रधानी है, सबसे बड़ी ग्राम सभा थी। उसके बाद पीडीसी, ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत पिताजी हमारे हैं वर्तमान में, और हम विधायक मंत्री हैं। 7 चुनाव हमने लड़ा, कभी झूठ नहीं बोला, और आप सबके आशीर्वाद से 7 के 7 चुनाव में जीता, 7 चुनाव अब तक लड़ा। तो हम कहा सत्य के रास्ते में मैं चलता आया, 7 चुनाव जीता, आगे भी इसी। पासी समाज की हमने बैठक किया तो कुछ लोगों ने उदा देवी पासी बताया, कुछ लोगों ने बिजली पासी बनाया, तो हम कहा चलो दोनों बना देंगे। मौर्य समाज की बैठक किया तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का बनाया। मुस्लिम समाज की बैठक किया तो हमारे पार्टी के महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, देश के लिए उन्होंने मिसाइल दिया, उन्होंने उनको कहा तो हमने कहा ठीक उनका भी बना देंगे। वाल्मीकि समाज की बैठक किया तो उन्होंने कहा महर्षि वाल्मीकि जी का बना दीजिए। तो ऐसे हर समाज की हमने बैठक किया तो 6 महीने के अंदर हमारा कोई काम और लेट नहीं होता। 6 महीने के अंदर प्रत्येक समाज का एक हम गेट बनाएंगे, जिनका योगदान चाहे आज़ादी में रहा हो चाहे किसी रूप में, और वो बॉर्डर पर बनेंगे कि हमारी विधानसभा में जैसे व्यक्ति प्रवेश करे तो उसको पता चल जाए कि जगदीशपुर विधानसभा में आ गए, पहचान हो जाए। पहले भी हो सकता था लेकिन पहले नहीं हुआ। ये बहुत जल्द हम 6 महीने में आप सबको तोहफा देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी से आग्रह कर। तो न मैं गलत करता हूँ ना हमारा कार्यकर्ता गलत करता है, और कोई गलत करता है तो मैं उसको बर्दाश्त भी नहीं करता, सब लोग जानते हैं। तो जब उन्होंने लिखा उससे पहले मैंने उसकी जांच के लिए आदेश कर दिया। और वही नहीं, इसका उदाहरण है, आप चले जाइए पिछुती गांव में, वहाँ एक ठेकेदार ने सड़क खराब बना दिया, गिट्टी पड़ती है नीचे, उसके ऊपर टेस्ट का चूरा पड़ता है, उसने बालू डाल दिया था गोमती नदी से निकाल। भैया आप यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, यहाँ से लोग आपकी उम्मीदें भी रखते हैं, क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जगदीशपुर विधानसभा की जनता को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज की बधाई देता हूँ। जनता हमारे लिए पूजनीय है और जनता के लिए मुझे हर काम करना है। आज पारा में हमने सड़क बनाई थी, बहुत यहाँ पर कीचड़ रहता था, आज उस सड़क का हम लोगों ने लोकार्पण किया। मखदूमपुर कला में एक सड़क बनाई थी, उसका लोकार्पण किया। आज मेरा यही विकास कार्यों से संबंधित कार्यक्रम था, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में, लगभग 400-500 की संख्या में लोग उपस्थित हुए। मैं सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भैया आपका सभी लोग फ़ोन लगाते हैं, लगभग जनता शिकायत रहती है फ़ोन नहीं लगता है और उठता नहीं है। देखिए फ़ोन की आप बात करते हैं, आप पत्रकार जी जी, ठीक है ना, हमें तो लगता है कि आप अपने सारे रिश्तेदार का फ़ोन नहीं उठा पाते होंगे जी जी, लेकिन फिर भी जनता के बीच में प्रत्येक सप्ताह मैं उपस्थित रहता हूँ। पहला शनिवार जगदीशपुर डाक बंगला, लेकिन अगले महीने चेंज कर रहा हूँ जी। अगले महीने से पहला बुधवार जगदीशपुर डाक बंगला, दूसरा बुधवार हलियापुर, तीसरा बुधवार सुकुल बाजार हनुमान मंदिर, चौथा बुधवार फिर जो है जगदीशपुर। और इन 2.5 वर्षों में सबसे ज़्यादा हमने निमंत्रण किया है, सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में उपस्थिति रही है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में कम से कम 4 दिन हम जनता के बीच में रहते हैं। हमारी जनता हमसे आसानी से मिलती है, न किसी का सोर्स न किसी का सिफारिश, सबका डायरेक्ट काम होता है। 2.5 वर्षों में सबसे ज़्यादा हमने इलाज का पैसा दिलवाया, 3 नए पावर हाउस बनवाए, गोमती पर पुल दिया, ट्रामा सेंटर दिया, 2 ITI दिया, 1 कृषि विज्ञान केंद्र दिया, डिग्री कॉलेज दिया, इंटर कॉलेज दिया, 145 नई सड़कें दिया। तो जनता के लिए हमने बहुत काम किया है, और अभी तक जनता हमारी कांग्रेस के अत्याचार को भोग रही थी, अब हमारी जनता जो है 2.5 वर्षों में खुशहाल हुई। अभी आप पत्रकारों के विषय में कह रहे थे, क्या विज्ञापन को लेकर के क्या चर्चाएं हो रही थी? विज्ञापन को लेकर और जो एक सड़क बनी है उसमें कुछ पत्रकारों ने टिप्पणी किया कि लोग कमीशन लेते हैं जी जी जी, तो मैंने उस पर टिप्पणी किया कि 2.5 वर्षों में हम लोगों ने काम किया है, हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर, हमसे जुड़े हुए किसी लोगों के ऊपर कोई 5 पैसे का अगर कहीं पर क्लेम निकाल देगा तो इस्तीफा यहीं से देकर चला जाऊंगा।